हेलो गाइस वेलकम टू मिस्टर हिंदी टारो कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक हो अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो एंड आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन के डीप इमोशंस फीलिंग्स थॉट्स आपको लेकर क्या होने वाली है वो क्या सोचेंगे क्या फील करेंगे आ, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे जितना फोकस रखोगे अपने पर्सन पे जितना उनको विजुलाइज करोगे उनके बारे में सोचोगे उतनी क्लियर मैसेजेस आपको मिलेंगे ठीक है एंड जनरल रीडिंग है तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स तो चलिए फोकस रखिए अपने पर्सन पे और आज थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आज आ, मेरी शादी को हो गए हैं चार साल सो बाहर जाना है एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा छोटा चो, सा वीडियो डाल दूँ तो कल मैं बेशक दो वीडियोज़ डालूंगी लेकिन आज प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा चलिए लाइट कर लेते हैं कैंडल ओके तो ये कैंडल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया दूसरा कैंडल ले लेते हैं <coughs> पिंक कलर लेते हैं चलो लेट्स लाइट दिस कैंडल फोकस प्लीज क्लियर रखिए फोकस करिए अपने पर्सन पे सोचिए उनके बारे में आज रात आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है आपको लेकर क्या सोचेंगे क्या महसूस करेंगे मुझे लगता है आपके पर्सन आज बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहेंगे बहुत सैडनेस कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है जो भी मसला है जो भी प्रॉब्लम है थक जाएंगे लिटरली इमोशनली ये पर्सन बहुत थका हुआ सा महसूस करेंगे उन्हें लिटरली ऐसा फील होगा कि यार ये सब क्यों हो रहा है या मैं उसको क्यों भुला नहीं पा रहा हूँ या मैं उसके बारे में सोचने सोचना मेरा बंद क्यों नहीं होता है कुछ है जो उसके वजह से थका आरासा महसूस करेंगे और बहुत स्ट्रेस्ड फील करेंगे बहुत सैड फील करेंगे दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है मुझे लगता है जितना आप इस पर्सन को विजुलाइज़ करोगे जितना आप इस पर्सन के फ़ोटो पे टेक्निक जो मैंने टेक्निक बताई है फ़ोटो टेक्निक वो अप्लाई करोगे आ, जितने आप अफर्मेशंस बोलोगे या सुनोगे उतना मुझे लगता है कि चांसेस बढ़ जाएंगे इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज या कोई एक्शन आने का ठीक है क्योंकि आप एक स्ट्रांग मैनिफेस्टर हो ये मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ जो वीडियो देख रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे या तो लगता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन ऑलरेडी फील करना शुरू हो गए हैं या तो आप कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो या क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो या कोई मैनिफेस्टेशन यूज़ कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो जिससे कि क्या हो रहा है चांसेस इंटेंसिटी उनके फीलिंग्स की उनके आपके पास आने की बढ़ रही है ठीक है कहीं ना कहीं स्ट्रांग प्यार स्ट्रांग अट्रैक्शन ये पर्सन आपके लिए इस वक्त फील कर पा रहे हैं आज रात ये पर्सन की आपको लेकर जो अट्रैक्शन है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी ठीक है ये पर्सन आज रात आपको बहुत स्टॉक करेंगे आपके सोशल मीडिया पे आपको देखना <coughs> स्टॉक करना आपकी फ़ोटोज़ देखना अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो किसी और अकाउंट से आपको स्टॉक करना स्टॉकिंग वाली एनर्जी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग आ रही है बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे आपको कि आप किससे बात कर रहे हो आपके प्रोफाइल में कौन कौन है आपके फ़ोटो पे कौन कमेंट करता है आपको कौन नया पर्सन कौन ऐड हुआ है ठीक है किसी न किसी तरीके से ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं <coughs> कुछ केसेस में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर आप शादीशुदा हो ठीक है तो हो सकता है कि उनके बच्चों की वजह से आप दोनों में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है मे बी उनके बच्चों के कारण वो आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है हो सकता है उन्हें कोई बच्चा है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाते या आपका बच्चा है जिसके कारण आप दोनों करीब नहीं आ पाते ठीक है कोई सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट से भी डील कर रहा है यहाँ पे ठीक है <coughs> हो सकता है ये पर्सन आज रात किसी पार्टी में जाए क्योंकि अकेलापन दूर करना चाहते हैं क्योंकि क्या हो रहा है इस पर्सन के लिए एनर्जीज अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना अपने इमोशंस को छुपाना मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है हो सकता है कि आज ये किसी तरह से अपने इमोशंस को डाइवर्ट करने के लिए या आपसे अपने मन को हटाने के लिए किसी पार्टी में जाए या फिर किसी फंक्शन में जाए कोई शादी इवेंट या किसी का बर्थडे कुछ तो हो सकता है जिसमें ये आ, बेसिकली ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बारे में ना सोचे अपने मन को कहीं लगाए रखे लेकिन भीड़ में भी ये पर्सन आपको मिस करेंगे आपकी याद आएगी आपको अकेलापन महसूस होगा इस पर्सन को ठीक कुछ मिसिंग सा लगेगा ठीक है हो सकता है किसी की एंगेजमेंट हो इनके किसी दोस्त की या घर पे किसी और की हो सकती है एंगेजमेंट तो उस पार्टी में या उस इवेंट में भी शामिल हो सकते हैं <coughs> काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है आज ये पर्सन आपको लेकर कि आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दी जाए या आपके साथ एंगेजमेंट की जाए वो भी मुझे होते हुए दिख रहा है ठीक है हो सकता है ये पर्सन लिटरली आपको कोई कमिटमेंट ऑफर कर दे या आपसे एंगेजमेंट की बात करे या अपने घर वालों से आपके बारे में बात करे क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्ट्रांग कमिटमेंट uh, या ऑफ़र आपके तरफ आते हुए दिख रही है इस पर्सन की तरफ से ठीक है या फिर ये उस बारे में सोचेंगे या तो आपको लिटरली ऑफर करेंगे कुछ <coughs> हाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी डिसीजन लेने में या एक्शन लेने में क्योंकि ये पर्सन का पता है आपको प्रॉब्लम क्या है सोचते तो बहुत कुछ है ये करना है वो करना है आपको खुश करने के लिए या आपको मनाने के लिए लेकिन एक्शंस बड़े ही कम होते हैं या एक्शंस बहुत लेट आते हैं या सोच सोच कर रुक रुक कर ही टाइम वेस्ट कर देते हैं ठीक है थोड़ा इनका डिसीजन मेकिंग पावर आज बहुत ज़्यादा डगमगाई हुई दिख रही है मुझे कुछ डिसीजन्स ये जल्दी से ले नहीं पाएंगे आपको लेकर ठीक है जिसकी वजह से क्या होगा कि जब इंसान डिसीजन ही नहीं ले रहा है तो फिर एक्शन कितना लेट लेगा राइट हो सकता है आप दोनों में रिलीजियस डिफरेंस हो वो अलग रिलीजन से बिलोंग करते आप अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे लगता है आज जो वीडियो देख रहे हैं रिलीजियस फैक्टर्स काफ़ी अफेक्ट कर रहे हैं ठीक है <kurs> या मे बी आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अलग है अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हो उनकी कल्चर टोटली डिफरेंट है आपसे या उनकी फैमिली की जो रहन सहन या सोच विचार है बहुत अलग है या हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन और ये पर्सन उतने स्पिरिचुअल नहीं है सोच में भी काफ़ी बदलाव दिख रहा है मुझे आप बदलाव नहीं डिफरेंस काफ़ी डिफरेंस है आप दोनों के बीच में ठीक है लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आप भी करते हो मुझे आज बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए हो सकता है किसी किसी को तो अपने पर्सन से आज रात को कमिटमेंट भी मिले या फिर उससे लेकर कुछ बात हो शादी को लेकर कुछ बात हो सकती है कोई प्रोमिस एक्सचेंज हो सकते हैं कोई प्रोमिस करते हुए दिख रहा है मुझे आपको पता नहीं ये क्या है लेकिन कुछ तो प्रोमिस कि मैं ये करूँगी या, या मैं ये करूँगा ठीक है और बहुत बड़ा ही स्ट्रांग मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठ के बोल दिया आपको सिर्फ आपका दिल रखने के लिए बट बहुत स्ट्रांग प्रॉमिस कुछ करते हुए दिख रहे हैं yes, यस मुझे आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस दिख रहे हैं या तो आप दोनों एज में कुछ डिफरेंस है या रिलीजन में डिफरेंस है अपब्रिंगिंग में डिफरेंस है फैमिलीज़ बहुत अलग अलग है आपकी मॉडर्न फैमिली हो सकती है उनकी बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली है ठीक है हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसे पर्सन है जिनसे जैसे तरह के इंसान से आपने कभी डील नहीं किया है ठीक है या फिर हो सकता है इस पर्सन के लिए आपको एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि आप बहुत ही अलग हो उनके विचारों से आप दोनों के विचार भी मुझे काफी अलग लग रहे हैं ठीक है लेकिन मुझे काफी लोग अब यहां पे अपने सोलमेट से डील करते हुए दिख रहे हैं स्ट्रांग सोलमेट कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है ठीक है मुझे रोते हुए भी दिख रहे काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी लोगों को ये बोलती हूँ मैं तो भरोसा नहीं होता है लेकिन यस yes, मुझे आपके पर्सन आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं आपकी याद में सिसकते हुए दिख रहे हैं रोते हुए दिख रहे है सैड अनर्जी है मुझे बुरा लग रहा है <laughs> दिखे लिटरली क्राइंग क्राइंग लिटरली रोते हुए मुझे दिख रहे आपकी याद में आपके आपको मिस करके मुझे ऐसा भी लगता है अपने किसी दोस्त या आपके किसी दोस्त के ज़रिए आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या कोई मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए मे भी किसी की किसी के गाइडेंस ले सकते हैं या किसी की मदद ले सकते हैं ताकि आप तक अपने दिल की बात पहुंचाए कि मैं क्या फील कर रही हूँ या क्या फील कर रहा हूँ ठीक है किसी की मदद लेते हुए दिख रहे हैं मुझे काफ़ी लोगों के लिए ठीक है देखिए आप एक ऐसे पर्सन से डील दी, कर रहे हो जो एक स्ट्रॉन्ग मैस्क्यूलिन एनर्जी में आ चुके हैं थोड़े डोमिनेटिंग पर्सन है पहले भी मे भी इन्होंने काफ़ी आपको डोमिनेट करने की कंट्रोल करने की कोशिश करी है एंड अभी भी मुझे जो इनकी एनर्जी दिख रही है थोड़ी डोमिनेंस वाली एनर्जी दिख रही है मे भी आपको कुछ करने से रोकते हैं रोक टोक काफ़ी करते हैं आपको हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत रोक टोक करते हैं लेकिन मुझे बहुत लोग यहाँ पे ना वक्त बिताते हुए दिख रहे हैं बहुत ही जल्द फिजिकली मीट करते हुए एक दूसरे को दिख रहे हो और वक्त बिताते हुए दिख रहे हो और वो जो वक्त होगा ना वो बहुत ब्यूटीफुल होगा मतलब जैसे आपका सपना ही पूरा हो गया ठीक है हो सकता है ये पर्सन आपको ऑफर करे कि चलो मिलते हैं या फिर मैंने कुछ प्लान किया है चलो मेरे साथ और बहुत अच्छा वक्त मुझे आप दोनों बिताते हुए दिख रहे हो ठीक है बहुत जल्द और ये चीज़ बहुत जल्द होने वाली है मे बी इन अ वीक और सो ठीक है काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ वर्क स्पेस शेयर करते हो एक ही कंपनी में या एक ही फील्ड में काम करते हो एक ही तरह का जॉब करते हो कुछ तो ऐसा डिफरेंस सिमिलैरिटी uh, मुझे आपके अंदर दिख रही है मे बी को वर्कर्स हो ठीक है <coughs> मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि पर्सन सेल्फ लव को सीख गए हैं पहले ये पर्सन मे भी, भी खुद से प्यार नहीं करते थे खुद को एक्सेप्ट नहीं करते थे लेकिन अभी जो मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है ना ये अपने आप से प्यार करने लगे हैं अपने आप को एक्सेप्ट करने लगे हैं प्रायोरिटाइज करने लगे हैं पहले ये सिर्फ आपसे यू नो एक अनहेल्दी अटैचमेंट इनको हो गई थी बट अब ये जान चुके हैं कि अपने आप से प्यार करना कितना ज़रूरी है हमको खुद को एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है ठीक है मुझे काफ़ी लोगों के बीच यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को आज रात एक स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन फील होगा आपके लिए उनका मन करेगा कि बस वो आपके पास आ जाए और आपको हक करे आपको फील करे टच करे कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रहा है काफ़ी लोगों के बीच में लाइक काफ़ी लोगों के पर्सन उनको फिजिकली मिस करेंगे ठीक है हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर ये थोड़ी बहुत बात करते हैं आपसे और या फिर नहीं भी कर रहे तो हो सकता है अचानक से इनका मैसेज आएगा आ जाए और आपको आपके किसी फ़ोटो पे कमेंट कर दे कि यार कितनी हॉट दिख रही हो या कितना ब्यूटीफुल कितने, कितने हैंडसम लग रहे हो कुछ ऐसा कुछ कमेंट या कॉम्प्लीमेंट कौम, भी आ सकता है तो आपको पता चल जाएगा ये इंसान मुझसे फ्लर्ट कर रहा है ये यू नो ये मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है ऐसा भी काफ़ी सारे लोगों में आज होने वाला है ठीक है एंड मुझे ऐसा भी लगता है काफ़ी लोग अपने बीच की जो ईगो इशूज़ है आपके भी अंदर कम ईगो नहीं है जो ये वीडियो देख रहे हैं आप भी ईगोइस्टिक हो और आपके पर्सन भी काफी ईगोइस्टिक है तो हो सकता है कि आप दोनों अपने ईगो को बाजू में रख के एक एडल्ट की तरह और समझदार इंसान की तरह एक दूसरे से बात करें ठीक है तो मुझे यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स दिख रहे हैं वो मैं बताती हूँ हो सकता है उनका बर्थडेट हो या आपका बर्थडेट हो कोई बर्थ मंथ उनका या आपका हो सकता है और उनके नाम का पहला अक्षर और आपके नाम का भी पहला अक्षर हो सकता है यहाँ पे मुझे सी एस w u s l a i g a h c n o number 3 नंबर वन पी नंबर फाइव नंबर फोर नंबर टू बस एफ एफ भी दिख रहे हैं ठीक है सो दैट वॉज इट कैसे लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना सॉरी बाहर जाना है आप समझ सकते हो एनिवर्सरी है तो एक्साइटमेंट है तो प्लीज़ माइंड मत करिए वीडियो को लाइक like, ढेर सारे कर दीजिएगा आपका प्यार बरसा दीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं अपने खुद के भी अब रील्स डालने लगी हूँ यू नो थोड़ा बहुत आपको भी पसंद आएगा तो जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा आपको ज़रूर पसंद आएंगे मेरे रील्स जो भी मैं वहाँ पर डालती हूँ सो दैट वॉज़ इट अगर रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सी यू नेक्स्ट वीडियो